सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस विभाग में रिश्वतखोरी थमने का नाम नहीं ले रही है। मथुरा के थाना राया में तैनात एक दारोगा का ऐसा ही एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो गांजा तस्कर से अपना हिस्सा अलग मांग रहा है। आप ऑडियो सुनिए। अरे सलू, तुम्हारी तैयारी कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। मैं आज इंचार्ज साहब पूछ रहे हैं मुझसे। हाँ हाँ, तुम्हारी तैयारी करो। हाल महावन पे आया हूँ, नगर लफड़े लग रहे हैं वो तो काम में। अरे तेरे लफड़े निमट रहेंगे, हमारे लफड़े न मतुल जावत। अब जी बताओ, जो कैसे कैसे करना हो, कहाँ करना हो जी बताओ। है? मैं 5,000 रुपया दे, 5,000 रुपया ना मिलते तुम कैसे करोगे? मैं तुम्हारे हाथ में दूंगा, बिना हाथ में दूंगा, कहाँ करूँ? नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं पता, मैं वो देख ला अपने स्तर से। हाँ, तो मुझे क्या करना, क्या मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ बड़े भैया इस तरह का कैसे करूँ मैं? नहीं देखे, ऐसा है, तू उन्हें दे किसे दे, मैं मेरा निकाल दे, मैं कुछ नहीं जानता। तो 3,000 रुपया दूंगा जो कह दिए, मेरी हाथ में आमत है, 3,000 रुपये दे तू जी। नहीं मैं कुछ नहीं कहूंगा, तू अपने आप मैनेज करियो। 3,000 रुपया तुम दे दूंगा, 2,000 रुपया तुम्हें दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं, मैं बता दे रहा हूँ भैया, आना तू साहब से मिल लेना और मेरा अपना कर देना, चाहे उसमें वैसे करे या बाहर से करे, मैं कुछ ना जानता। चलो मैं देखा तुम तो फिर देखा तू पहले मिला आओ, बुनते मिला आओ फिर। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, कह रहे मुझसे, मैंने कहा चलो मैं बात कर रहा हूँ, मैं मिलवाता हूँ। आ रहा हूँ, तो मैं पहुँच रहा हूँ, 10-15 मिनट में पहुँच रहा हूँ। हाँ मैं, हम कस्बे में ही है, तू फोन करके आ जा, ठीक है, हम मिल लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हाँ ठीक। इस ऑडियो में दारोगा योगेश नागर अपना अलग हिस्सा मांग रहे हैं, वहीं अब आपको दिखाते हैं कि कैसे एक घर में खुलेआम गांजा बिक रहा है। आप भी देखिए कि एक घर की छोटी सी खिड़की से ये सप्लाई हो रहा है और पुलिस सब जानते हुए भी पैसे लेकर चुप है। ऑडियो वायरल होने के बाद महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। में एक ऑडियो वायरल हुई है, राया थाने का, क्या मामला? ये जो राया क्षेत्र के अंतर्गत दरोगा की वायरल हुई है एक ऑडियो, तो उसकी जाँच की जाएगी और उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई। अब देखना होगा कि इस मामले में दारोगा के खिलाफ क्या जांच होती है और इस तरह पुलिस संरक्षण में अवैध कारोबार करने वाले लोगों पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। मथुरा से मदन सारस्वत, पंजाब केसरी टीवी।